हेलो फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स सो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे तैयारी जे की और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर वन और लेक्चर वन में हम डिस्कस करेंगे ट्वेंटी फाइव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट वन है फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट टू में हम अलग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैक्रो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी सभी ये जितने भी सब्जेक्ट हमारे टेन सब्जेक्ट कोशिश करेंगे ये सभी सब्जेक्ट कवर हो जाए ठीक तो यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये इंपॉर्टेंट है अगर आप उसके साथ साथ पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो भी ये एम आपके काम आएंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ईजी से लेके मॉडरेट टू हायर मतलब जो डिफिकल्ट लेवल है उस लेवल तक हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आज का जो ये है जो सेशन है ये रहने वाला है आपका प्रीमियर सेशन है ठीक है लाइव चैटिंग का इसमें ऑप्शन ऑन रहेगा तो आप लोग इमीडिएट कमेंट्स आप कर सकते हो लाइव चैट इसमें कर सकते हो ठीक तो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन को देख लेना और एक क्वेश्चन अभी ये उठता है कि जो मई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जो एग्जाम होना है क्या ये पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं अभी देखिए ये पोस्टपोन हो या ना हो लेकिन आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन में डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए कोई अगर आप बोलते हो ये पोस्टपोन होगा तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी ठीक है ये हो या ना हो पोस्टपोन पोस्टपोन हो या ना हो लेकिन आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए चलिए अब जितने भी आंसर्स हैं आपके आंसर्स लाइव चैट में उसके कमेंट देते रहिएगा हम लोग ईजी टू मॉडरेट फिर उसके बाद मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे हम लोग ट्राई करेंगे चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा इजी क्वेश्चन समझ लेते हैं इफ टू कमोडिटीज आर कॉम्पलीमेंट्री ठीक है समझने की कोशिश करिए कॉम्पलीमेंट्री अगर कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पढ़ा हुआ तो आंसर ईजी हो जाएगा आपका द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन दम विल बी इनफिनिटी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो क्या होना चाहिए आंसर ठीक है फटाफट लाइव चैट के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे एक बार अगर नहीं है तो इसमें अभी थोड़ा समझ लीजिए उसके बाद आंसर दे दीजिए ठीक तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो क्रॉस इफेक्ट होता है ठीक है जो क्रॉस इफेक्ट होता है वो होता है नेगेटिव ठीक और जो सब्सटीट्यूट का जो एक क्रॉस इफेक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव तो जो आपका आंसर है करेक्ट वो है नेगेटिव ठीक क्योंकि एक नेगेटिव डायरेक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट्रीज का जो क्रॉस इफेक्ट होता है वो तो नेगेटिव होता है नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टू इन कंजप्शन इनफीरियर गुड्स हैव टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ लेना अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये काफी डिटेल्स में इनके स्टडी करवा रखी है ठीक है उनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि ये जितने भी आंसर्स हैं करेक्ट होने चाहिए ठीक क्योंकि इजी लेवल है भाई अगर यही गलत होंगे तो हम कम लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखना थोड़ा सा डाउट है इसमें ठीक इंफीरियर गुड्स का क्या रिलेशन है ठीक है इन्फीरियर गुड्स इन नेगेटिव इनकम इफेक्ट पॉजिटिव इनकम इफेक्ट जीरो इनकम इफेक्ट एंड इनफिनिट इनकम इफेक्ट ठीक है तो इन्फीरियर गुड्स घटिया पदार्थ हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो डिमांड है इनफीरियर गुड्स के लिए कम होता रहेगा सो दैट इज नेगेटिव इनकम इफेक्ट ठीक है नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड वाइस ऑफरसा चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री द बोट शेप द ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट ठीक है पीपीसी की जो शेप होती है बोर्ड बोर्ड का मतलब होता है धनुष ठीक है जो बोर्ड शेप है मतलब ऐसे ही जो शेप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ठीक है वैसे पीपीसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है पीपीसी प्रिंट करती है एम आर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक है दो गुड्स हैं यहां पे वन गुड्स और टू गुड्स ठीक है गुड वन एंड गुड टू ट्रांसफॉर्म एक गुड का रिसोर्सेज हम एक गुड के लिए यूज ज्यादा करेंगे तो दूसरे के लिए कम हो जाएंगे और दूसरे के लिए अगर कम करेंगे तो पहले के लिए दूसरे के लिए ज्यादा करेंगे पहले के लिए कम हो जाएंगे ठीक है तो टोटली पे पीपीसी क्या शो करता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट द प्रोडक्शन इज इनिशियट द प्रोडक्शन इज अन अटेनेबल एंड द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक तो क्या आंसर है ठीक है कमेंट करेंगे फटाफट लाइव चैट में उसके बाद हम लो लोग बढ़ते हैं आगे तो जो करेक्ट आंसर है वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट और जिसमें एमआरटी की एमआरटी uh, है ठीक वो भी क्या रहता है इंक्रीजिंग रहता है बल्कि जब हम इंडिफरेंस एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो एम आर एस नेगेटिव इन केस ऑफ इनकम इफेक्ट नेगेटिव किस केस में रहता है ठीक है इनकम इफेक्ट नेगेटिव किस केस में रहता है नॉर्मल गुड्स सुपीरियर गुड्स गिफन गुड्स एंड पब्लिक गुड्स ठीक अगर आपने डिटेल में किया है तो इनकम इफेक्ट ठीक है इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स में क्या रहता है नेगेटिव चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फाइव इफ डिमांड कर इज मोर इलास्टिक देन मार्जिनल रिवेन्यू विल बी तो यहां पे थोड़ा एक कंपेरेटिव डायग्राम बनेगा उसमें आप लोग इजिली समझ ठीक है डिमांड कर मोर इलास्टिक है ठीक है देन मार्जिनल रिवेन्यू विल बी तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ठीक है डिमांड का भी डिमांड मोर इलास्टिक है लेस इलास्टिक है तो पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेट लाइन एंड जीरो ठीक है क्या होगा तो फटाफट कॉमेंट करेंगे और अगर आप डायग्राम से करोगे ना डायग्राम से काफी ईजी रहेगा आपका ये क्योंकि जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते हो तो यहाँ पे यूनिटी इलास्टिक है और जो ये वाला पोर्शन है यहां पे इलास्टिसिटी मोर है और इस साइड इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक है ठीक है तो यहां पूछा हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू का जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा अगर डिमांड कर हमारी मोर इलास्टिक है इस पोर्शन पे तो इसके बिल्कुल करेस्पॉन्डिंग आपको क्या बनाना है टोटल रेवेन्यू वाला पोर्शन भी बनाना है ठीक है जब हमारे ये है आपके डिमांड कर है इसी को हम क्या बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू कर भी बोलते हैं ठीक है ठीके? इसके करस्पॉन्डिंग ये होगी एम और यहां पर अगर हम टोटल रेवेन्यू कर प्लॉट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू अगर हम बात करें जहां पर इलास्टिसिटी इक्वल टू वन है ठीक है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू होता है मैक्सिमम ठीक है टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम और जहां पे टीआर आपका मैक्सिमम होता है वहां आपका एमआर कितना होता है ठीक है तो जहां पे इक्वल टू वन है वहां पे एम आर जीरो और टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम और इसके ऊपर वाला पोर्शन पे मोर इलास्टिक है है ठीक अब आपको आंसर समझ आ गया होगा पे इलास्टिक मोर इलास्टिक है वहां पे मार्जिनल क्या है मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइनिंग है बट पॉजिटिव है ठीक है सो दैट इज पॉजिटिव और वहीं अगर एवरेज रिवेन्यू मतलब अगर लेस इलास्टिक है तो लेस इलास्टिक में क्या होगा मार्जिनल नेगेटिव में हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू डिक्लाइनिंग होगा ठीक है तो इस डायग्राम के थ्रू भी आप कर सकते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स म्योडिटीज आर परफेक्ट सब्सिट्यूट देन द शेप ऑफ इंडिफरेंस विल बी आई सी विल बी स्ट्रेट लाइन आई सी विल बी टाइट एंगल्स आईसी स्लोक डाउनवर्ड एंड आई सी स्लोक अपवर्ड क्या आंसर होना चाहिए फटाफट कमेंट करेंगे परफेक्ट सब्सिट्यूट है ठीक है परफेक्ट सब्सिट्यूट है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरीज हैं तो इंडिफरेंस की शेप डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है ठीक तो अगर इंडिफरेंस uh, बेसिकली uh, क्या होता है डाउनवर्ड होती, होती है डिक्लाइनिंग होती है हमारे लेकिन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सिट्यूट अगर परफेक्ट है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन पर बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो ये स्ट्रेट लाइन और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया कॉम्प्लीमेंट्री में एल शेप हो जाता है ठीक तो दैट इज विल बी स्ट्रेट लाइन करेक्ट है चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सेवन इन विच मार्केट सिचुएशन इज

क्या होता है ठीक है आईसीसी इनकम कंजप्शन कर तो हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट लेवल ऑफ कंजप्शन होता है तो डिफरेंट बंडल्स ऑफ कंजप्शन जो है उनको प्लॉट करने से हमारे पास क्या आता है? Is, आता है 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 इंडिफरेंस दैट इज इनकम कंजप्शन ठीक और वहीं अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों ही गुड्स में क्या इनकम पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है जैसे जैसे हमारी बजट बढ़ रही है हमारा इनकम बढ़ रहा है ठीक है पी एल बजट लाइन है मान लीजिए प्राइस लाइन है बजट लाइन है हमारी जैसे इनकम बढ़ेगी तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड ठीक है पी वन एल वन तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ रही है इनकम के बढ़ने से दोनों गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है तो हमारे जब हम दोनों बंडल्स को ठीक है मतलब पहले लेवल ऑफ इनकम पे बंडल्स जितने भी हमारे हमने कंजप्शन किया और दूसरे लेवल पे जो हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो उन दोनों को बढ़ाने से हमारे पास जो इनकम कंजप्शन करवाया वो क्या है पॉजिटिव है ठीक है और वहीं अगर हम बात करें तो दैट मीन्स अपवर्ड टू द राइट जो आंसर करेक्ट होगा वहीं अगर एक गुड्स इन्फेरियर होता है मान लीजिए जो इस साइड का जो एक्स गुड है वो इनफेरियर होता तो यहाँ पे हमारा जो लेवल ऑफ कंजप्शन है एक्स गुड्स के लिए वो डिक्लाइन होना होना इस साइड मूव शुरू हो जाता। हो जाता जाता ठीक है है ये थोड़ा सा आगे जाके बैकवर्ड क्यों क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे हम इस गुड्स का कंजप्शन कम कर रहे हैं ठीक है एंड वैसे ही जैसे वाई गुड्स का एक इन्फेरियर होता तो ये भी बिल्कुल इसी की तरह थोड़ा आगे जाके बैंड बैकवर्ड हो जाता ठीक और अगर हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ती तो उसका कंजप्शन हम और ज्यादा कम करते इसका जो आंसर है अपवर्ड टू दी राइट नेक्स्ट वन इन ऑफ 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 द फॉलोइंग काइंड गुड्स लॉ डिमांड डज नॉट ऑपरेट ठीक है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता नॉर्मल गुड्स गिफन गुड्स वेबलेंट गुड्स एंड बॉथ बी एन सी ठीक है कौन से गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता मतलब कि एक्सेप्शन या फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स में तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है तो ये तो हो नहीं सकता गिफन गुड्स गिफन गुड्स क्या है एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे ही आपकी डिमांड भी बढ़ेगी ठीक है तो ये है बिल्कुल वेबलेंट गुड्स वेबलेंट गुड्स जो वेबन गुड्स है मतलब जो होते हैं, जो महंगी गुड्स होती हैं और इफेक्ट है इसी को बोलते हैं जैसे प्राइस जिस डिमांड भी ठीक है तो खंडन करता है और उसके बाद बदला अगर हम बात करें तो बी डी बी एंड सी बॉथ बी एंड सी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस एंड कंज्यूमर्स डिमांड लेस ऑफ गुड एक्स स्टेटमेंट अच्छी तरह समझना जैसे Price of X increase हो रहा है जो कंजूम की डिमांड है उस गुड्स के लिए वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है लेस डिमांड कर रहे हैं गुड एक्स बिकॉज इंक्रीज प्राइस क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा प्राइस बढ़ने से वो क्या हुए पूरर हो गए क्योंकि अब उनकी जो परचेसिंग पावर थी या फिर जो रियल इनकम थी वो कम हो गया तो कौन सा इफेक्ट है ठीक है सब्सटन इफेक्ट डीम्ड इफेक्ट सप्लाई दैट इज सप्लाई इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या क्या कौन सा इफेक्ट है फटाफट कमेंट करेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कौन सा इफेक्ट है ठीक तो मोस्ट ऑफ द आंसर जो है इसमें बिल्कुल प्री डिसाइडेड है पहले ही डिसाइड है क्योंकि जो रियल इनकम है प्राइस के कम होने से हमारी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है ठीक है और प्राइस के बढ़ने से जो हमारी रियल इनकम है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ इनकम इफेक्ट ठीक है इनकम इफेक्ट इज करेक्ट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर इलेवन हु द एज द प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एन

टस्थ रहता है मतलब एक पॉइंट अगर वो एक पॉइंट है तो यही सुपीरियर पॉइंट है बाकी सब पॉइंट उसके लिए क्या है इनफीरियर पॉइंट्स है ठीक है बाकी B, C, D, अभी सभी पॉइंट्स उसके लिए हैं सुपीरियर है A है ठीक है? और बल्कि स्ट्रॉग ऑर्डरिंग क्या होता है जब अगर वो ए पॉइंट को ले रहा है तो ए उसके लिए ठीक है वो ए कॉम्बिनेशन को ले रहा है बट अदर भी उसके लिए ओपन है ठीक तो यहाँ पे एक जो वीक ऑर्डरिंग में एक उसके लिए सुपीरियर है बाकी सब पॉइंट उसके लिए इन्फीरियर है तो हिक्स ने दी थी ये ऑर्डिनल अप्रोच बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर किसने दिया थ्योरी तो ये वाली जो थ्योरी मेनली पूछता है ना ये दो इकोनॉमिस्ट तो बिल्कुल जुड़े है ही नहीं ठीक है तो दोनों का नाम कई बार आ जाता है तो उसमें से भी जेबी क्लार्क जो है वो करेक्ट आंसर है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन द ओनली पॉसिबल इक्विलिब्रियम पोजिशन इन एन एजवर्थ प्रोडक्शन बॉक्स इज एजवर्थ का प्रोडक्शन बॉक्स जो होता है उसमें जो इक्लोब्रियम पोजिशन है वो कहां पे होता है ठीक है इक्लोब्रियम पोजिशन सो आइसोकॉन्ड इंटरसेक्ट टीचर आइसोकॉन्स आर टेंजेंट टू ट्वीचर आइसोकॉन्डस इंटरसेक्ट आउट साइड द रिजलाइन एंड आइसोकॉन्डस आर पैरलर टूचर्स अगर आपने एजवर्थ बॉक्स की स्टडी की है तो आप लोग ईजिली पहचान जाओगे कि आंसर क्या है ठीक है इक्लोब्रियम कहाँ अटेन होता है तो इक्लुब्रियम इसमें जो अटेन्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इक्लुब्रियम्स अटेन होते हैं जहां पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं मतलब आइसोक्वाट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आइसोक्वांडस इंटरसेक्ट करती हैं ठीक है आइसोक्वांडस एक्स की या फिर आइसोकवाट्स जो दो कमोडिटीज हैं कमोडिटी साइड वन और, और साइड कमोडिटी टू ठीक है एक्स वाई कह लो या कोई दो कमोडिटीज कह लो ठीक है तो जो डिफरेंट डिफरेंट इनके आइसोक्वांडस इंटरसेक्ट हो रही हैं कमोडिटी एक्स की कमोडिटी वाई की ठीक है जो डिफरेंट इंटरसेक्ट है वहाँ होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सो इसमें करेक्ट आंसर जो है आइसोक्वांडस आर टेंजेंट टू ईच अदर नेक्स्ट वन क्वेश्चन वट इज प्राइस फ्लोरिंग मीन्स प्राइस फ्लोर का मीन क्या है ठीक है शॉर्टेज सरप्लस इक्लिप्रियम प्राइस फ्लोर को मदद से मतलब जो मार्केट प्राइस है उसे आप इजिली समझ सकते हो प्राइस फ्लोर है प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है जो इक्लिप्रियम प्राइस है वो बहुत लो प्राइस है ठीक है डिमांड एंड सप्लाई है और इक्लिप्रियम प्राइस है तो इक्लिप्रियम प्राइस जो है बहुत लो प्राइस है प्राइस फ्लोरिंग पैरि फ्लोर है पहले ही बहुत लो प्राइस है तो गवर्नमेंट क्या करेगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइस अब अब द मार्केट प्राइस ठीक है मार्केट प्राइस क्या है अब अब होगा क्योंकि प्राइस बहुत कम होगी तो प्रोड्यूसर को फायदा नहीं होगा नुकसान हो जाएगा तो ओ पी वन डिसाइड करेगा तो इससे क्या होगा प्राइस फ्लोरिंग में मतलब तो प्राइस नीचे जा रहे थे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया एमएसपी प्रोवाइड की मान लीजिए तो इसमें क्या हुआ ज्यादा प्राइस ज्यादा होने से सप्लाई ज्यादा होगी और वही लोअ डिमांड सप्लाई काम करेगा और वहीं क्या हुआ यहाँ पे सरप्लस ठीक है सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है कम तो सरप्लस हो गया तो यहाँ पे है सरप्लस करेक्ट और कई बार इसका इसका अपोजिट भी आ सकता है प्राइस सीलिंग भी आ सकता है ठीक है तो प्राइस सीलिंग क्या होता है जस्ट इसके अपोजिट सीलिंग मैक्सिमम प्राइस पहले इकोनॉमी में मैक्सिमम प्राइस है ठीक है अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा प्राइस कहाँ इक्विप्रियम प्राइस से नीचे तो इक्विप्रियम प्राइस नीचे डिसाइड करेगा तो वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर डायरेक्टली प्राइस कम होने से आपकी सप्लाई तो कम हो जाएगी और डिमांड क्या हो जाएगी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ठीक तो यहां पे ये वाला जो है इस पॉइंट पे सरप्लस की जगह इसमें क्या हो जाएगा दैट इज लो प्रोडक्शन या पर शॉर्टेज चलिए नेक्स्ट वन फिफ्टीन अंडर डंपिंग द फॉरेन मार्केट डिमांड कर फेस्ड बाय द दोनोपोलिस्ट इज अब यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान में देना डंपिंग में फॉरेन मार्केट डिमांड कर अब आपको पता होगा जो डंपिंग है राशि पातन है इसमें क्या होता है अपनी कंट्री में वो महंगा बेचते हैं और दूसरी कंट्री में वो ज्यादा सस्ता बेचते हैं ठीक है तो अपनी कंट्री में मोनोपोली होती है उनकी अपनी कंट्री में मोनोपोली होती है और जब बाहर के फॉरेन कंट्री में क्या होती है फॉरेन कंट्री में वहां परफेक्ट कंपटीशन या फिर जो कंपटीशन है वो फेस कर रहे होते हैं अब आपको पता होगा जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो डिमांड कर्व कैसी होती है तो इसमें जब डिमांड कर्व होती है वो होती है ऑरिजेंटल लाइन ठीक है और कई बार ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि वहां फॉरेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है ठीक है फॉरेन की इलास्टिसिटी डिमांड मोर इलास्टिक होती है और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो लेस इलास्टिक नेक्स्ट वन हु द थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन ग्रुप बाय द इक्लेबरियम ऑफ टू डिमांड कर्व्स टू डिमांड कर्व किसने यूज किए थे ठीक है डॉन पैटिन के इन चैम्बर लेन और कन्नो टू डिमांड कर्व्स तो टू डिमांड कर्व जो डिस्कस किए थे दैट इज ने डिस्कस किया था टू डिमांड कर्व एक लेस इलास्टिक थी और एक मोर इलास्टिक थी ठीक है और दोनों के अलग अलग नेम दिए थे उन्होंने जो मोर इलास्टिक थी थोड़ा फ्लैट थी उसको दिया था प्रिपीचुअल ठीक है प्रिपिचुअल डिमांड कर नाम दिया था और जो लेस इलास्टिक थी उसको दिया था प्रोपोर्शनल ठीक है प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर द ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इज एसोसिएटेड और कई बार ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये एसोसिएट किस मतलब लॉन्ग रन से है शॉर्ट रन से किससे ठीक है तो एसोसिएटेड है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो है नहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है एक्सेस कैपेसिटी ठीक है और बाकी में जो मेनली यहां पे है वो है आपका नोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में होता है ज्यादातर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक्सेस कैपेसिटी ठीक है और कई बार ये आ जाता है ये डिफरेंस किस चीज का है तो अगर ये ये जो है मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में काम आता है ठीक है ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग रन फिनोमिना है और आपको पता है कि लॉन्ग रन में जो डिमांड कर्व होगी इसकी जो डिमांड कर्व होती है मोनोपोलिस्टिक की वो तो थोड़ा सा मोर इलास्टिक होती है ठीक है एवरेज डिमेन्यू और आपको एक चीज पता होगा कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक क्या अर्न करता है एवरेज तो कॉस्ट है थोड़ा सा और इक्लोब्रियम की पोजिशन क्या होती है एम आर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो तो ये एमसी कर्व है एम आर को टच कहां से कर रही है इस पॉइंट पे तो इक्लोप्रियम कहां होगा इस पॉइंट पे ठीक है दैट इज यम प्राइस इक्लोब्रियम प्राइस तो ये वाला पॉइंट

एक्सप्लेन द प्राइस बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है ठीक है मार्केट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सीधा हम आंसर पे आते हैं प्रॉफिट आर ड्यू टू ठीक है प्रॉफिट आर ड्यू टू यहाँ पे कई बार थ्योरी आ जाती है रिस्क टेकिंग ठीक है थ्योरी किसकी है एफ वी हॉले सो दट इज रिस्क टेकिंग नेचर ऑफ इंटरप्र्योर जो है यह आंसर करेक्ट है

किया होगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसका आंसर थोड़ा देना जल्दी स्पेस शिप इकॉनॉमी स्पेस शिप इकॉनॉमी ठीक है, economy, ठीक है economy, क्या होती है कुछ नए नए वर्ड कुछ हेलीकॉप्टर मनी है हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है दैट इज हेलीकॉप्टर मनी ये बताना दैट इज हेलीकॉप्टर मनी होता क्या है ठीक है इस बार कमेंट में जरूर बताना कि हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या होता है थोड़ा नया कॉन्सेप्ट से आते हैं कई बार अब यह स्पेसिप है ठीक है स्पेस शिप का मतलब होता है कुछ एक लिमिटेड रिसोर्सेज आपके जो लिमिटेड हैं, उसी को है, चाहे उसको री यूज करो या फिर रीजनरेट हेलीकॉप्टर मनी का एक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है? टू ए आर इक्वल टू ए सी शोज द लॉन्ग रन इक्लोब्रियम ऑफ लॉन्ग रन इक्लोब्रियम किसका शो करता है जहां पे आपका लॉन्ग रन इक्लुब्रियम यहाँ पे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें क्या है लॉन्ग रन इक्लोब्रम शो करता है ये वाली इक्वेशन इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए कॉम्पिटेटिव फर्म्स में जो ये वाली इक्वेशन है ठीक है आपको याद होनी चाहिए कि लॉन्ग रन में इनके अलावा भी ये पॉइंट्स बनते हैं जैसे प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर हो गया ठीक है और इसमें लॉन्ग रन में फर्म्स क्या करती है ओनली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ठीक है

यहां से बनी पी इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू उसके बाद शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर ठीक है इसमें से कई बार क्वेश्चन कुछ उल्टा घुमा फिर आ, आ सकता है लेकिन आपको सभी कंडीशन पूरी होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे पॉइंट्स इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं ट्वेंटी थ्री इफ द प्राइस ऑफ गुड इनक्रीजेस देन प्राइज ऑफ द गुड इंक्रीज हो रहा है डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड विल्ड फॉर द गुडेज एंड द डिमांड फॉर सब्सिट्यूट एंड द डिमांड फॉर द गुड रिमेन सेम ठीक है तो क्या रहेगा जैसे ही प्राइज किसी कमोडिटी के इंक्रीज होंगे तो प्राइज अगर इंक्रीज होंगे तो अब याद रखना सेम गुड्स की डिमांड तो कम होगी तो वो कहीं ऑप्शन में है नहीं और अगर हम बात करें कॉम्पलीमेंट्री और सब्जीट्यूट गुड में पॉजिटिव कॉज इलास्ट्रिसिटी किसका है?

ठीक है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन और है ये किसके इंटरडिपेंडेंसिस्टिक स्पेशलीफेक्ट कॉम्पिटिशन है नहीं हो नहीं मोनोपोली हो सकता ठीक है और मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज सेलर्स होते हैं तो इसमें भी ये भी हो सकता तो ऑलिकोपोली फ्यू लार्ज सेलर्स ठीक है कुछ ही सेलर्स होते हैं वो भी लार्ज होते हैं इंटरडिपेंडेंस तो करेक्ट आंसर है ऑलिकोपोली लास्ट क्वेश्चन इज Opportunity cost most broadly defines opportunity cost next best alternative. Opportunity cost. So इसमें जो भी आंसर है वो आंसर एक बार पढ़ेंगे अगर वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हैं ठीक है तो इसमें आप लोग थोड़ा पॉज कर लेना इसको और आंसर जो है वो करेक्टली देना ठीक है आंसर जो है सो व्हाट वी फॉरगो और गिव अप वैन वी मेक अ चॉइस ऑफ डिसीजन सो बी जो है वो करेक्ट आंसर है मतलब हम लोग एक चीज को क्या करते हैं पोस्टपोन करते हैं एक चीज का कंजप्शन और उस कंजप्शन को हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर में करते हैं ठीक है बाद में सो so चलिए यहां पर थोड़ा डिटेल तो में हम इसको नहीं करते तो जो बी है वो आपका करेक्ट है फॉर गो या गिव अप एक कम्युनिटी का गिव अप कर देते हैं और जो हमारी दो कम्यूनिटी लेनी होती है जो हमें कम पसंद है ठीक है उसको हम बाद में लेते हैं चलिए तो तैयारी जीत की अब नेक्स्ट में हम करेंगे लेक्चर टू और लेक्चर टू में हम डिस्कस करेंगे ट्वेंटी फाइव अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ये और ये होगा पार्ट टू ठीक है इसमें हम करेंगे पार्ट टू में यही डिस्कस करेंगे तो आज का ये सेशन कैसा रहा ये बताना कुछ इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत है तो वो भी जरूर बताना ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो हाई लेवल की बनाइए रखेगा ठीक है चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ थैंक यू